उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे से एक क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि हमने विजिट वीजा अप्लाई करना है तो किस अकोमोडेशन का एड्रेस दें। अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। नंबर वन, कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है उनके रिलेटिव्स की तरफ से या कोई कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है। आप फर्ज करें आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं और फैमिली को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है या जिस फैमिली के पास आप अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, तो जहां पे आपने स्टे करना है उनका एड्रेस देंगे। क्योंकि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जब फिल करते हैं आप उस फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आप वो एड्रेस नहीं देंगे। प्रॉपर पोस्ट कोड होता है, आपको प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है और बाज़ दफ़ा आपसे फोन नंबर भी मांगा जाता है कि आप उस अकोमोडेशन का हमें कंप्लीट डिटेल दें। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब आप वो वाला एड्रेस देंगे जहां पे जाके आपने स्टे करना है। अब आपने फैमिली विजिट वीजा अप्लाई किया है, स्पॉन्सर हुआ हुआ है, आपके अंकल ने स्पॉन्सर किया है, आपकी पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया है, आपके फ्रेंड्स ने स्पॉन्सर किया है, तो आप वो एड्रेस देंगे और वो एड्रेस वही होगा जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है और जो आपको अकोमोडेशन का स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपको इन्विटेशन भेज रहे हैं कि आपने हमारे साथ आके रहना है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो एड्रेस देना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को स्पॉन्सर नहीं होता उनके पास, वो लेयर ट्रिप के लिए आ रहे हैं, वो यूके घूमने के लिए आ रहे हैं, सैर करने के लिए आ रहे हैं और वो लोग होटल बुक करते हैं। अब एडवांस में जो होटल बुक किया गया होता है चाहे वो टेम्परेरी बुकिंग है, लेकिन आपको उस होटल का एड्रेस देना होगा, आपको बताना होगा कि आप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए इस होटल में आके स्टे करेंगे, ये आपका एड्रेस होगा। बाज़ दफ़ा लोग एक विजिट में 2-3 जगहों को विजिट करते हैं। आप यूके आते हैं, लंदन भी जाते हैं, आप मैनचेस्टर भी जाते हैं, आप ग्लासगो भी जाते हैं, वेल्स भी जाते हैं, तो 2-3 अगर आपने होटल बुक किए हैं, आपने एड्रेस जो देना है, जो फर्स्ट अकोमोडेशन है जहां पे फर्स्ट स्टे करेंगे वहां का आपने एड्रेस देना है। बाकी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या कवर लेटर में आप डिटेल से बताएंगे कि हमने 2-3 शहरों में जाना है, उनके यही एड्रेसेस हैं, यही डेट्स हैं, तो ये बताना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपको अकोमोडेशन का एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बगैर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा। तो ये एड्रेस होना बहुत जरूरी है। अब वो एड्रेस या तो रिलेटिव्स के घर का होगा या उस होटल का होगा जहां पे आप स्टे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस इन्फॉर्मेशन से फायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं, अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, आपके प्रीवियसली कुछ वीजाज रिफ्यूज हुए हैं और आप नई एप्लीकेशन करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हम एक अपॉइंटमेंट बनाएंगे, उस अपॉइंटमेंट पे मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आगे एप्लीकेशन में अच्छा डिसीजन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारी ये पेड सर्विस है, आप मुझे टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।